भारत को अपना अच्छा दोस्त बताने वाले अमेरिका ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे लेकर अब देश में घमासान छिड़ गया है। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा गया है, जिस पर अब बीजेपी ने अमेरिकी रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, अल्पसंख्यक समाज को ऊपर उठाने की बात करते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का ऐलान कर खुद को मुस्लिम हितैषी बताने की कोशिश की थी, मगर मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर कितनी मेहरबान है इसकी पोल अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट खोल रही है। दरअसल अमेरिका ने जनवरी 2018 से दिसंबर 2018 में भारत में घटित घटनाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2018 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियां लगातार खराब हुई। हाल के वर्षों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ उपद्रव को प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें सरकारी सहमति भी शामिल है। रिपोर्ट में पीएम मोदी को घेरते हुए कहा है कि उन्होंने बमुश्किल ही उपद्रव को कम करने वाले बयान दिए। यही नहीं, उनकी राजनीतिक पार्टियों के कुछ सदस्यों पर विवादित भाषण देने के आरोप भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अमेरिकी आयोग विदेश में धार्मिक और आस्था की स्वतंत्रता के उल्लंघन की निगरानी करता है। ये समय समय पर दुनिया में घटित घटनाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है और इस बार उसने अपनी रिपोर्ट से भारत की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाहिर है जिसके बाद मोदी सरकार सभी के निशाने पर आ गई है, लेकिन बीजेपी इससे बुरी तरह बौखला गई है। बीजेपी ने इस रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।